अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब सेहतमंद अच्छे होंगे माशाल्लाह। ये देखें, ये मॉडल बंगला है। ये है तो किसी पार्टी का, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है, जो कॉन्ट्रैक्टर नॉट ऑन रेजिडेंसी का कॉन्ट्रैक्टर है। बहुत ज़बरदस्त मॉडल बंगला बनाया है ये, देखें आप माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त कार पहुँच है आराम से। इसके अंदर प्राडो भी चली जाएगी, और बहुत ज़बरदस्त मॉडल बंगला बनाया है, स्टाइलिश। ये देखिए आप, 120 गज़ का ये बंगलो है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये बिल्कुल वैली पे बना हुआ है, पहाड़ पे बना हुआ है, ओल्ड ब्लॉग है ये। ये देखें आप व्यूवर्स, क्या लोकेशन है माशाल्लाह। इस लोकेशन को कोई भी बिल्डर आपको नहीं दे सकता इस कराची शहर के अंदर। आपको इस लोकेशन के लिए आपको बहुत दूर का इलाका सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ऐसी कोई मैं सोसाइटी नहीं समझता कराची में कोई हो जो JFS जैसी कटिंग आपको करके दे रहा है। ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये सब यहाँ पे पैचेस लगेंगे, सीवरेज का सारा काम हुआ हुआ है। ये देखें आप, ये पानी की लाइनों का कनेक्शंस, क्या ज़बरदस्त वर्किंग हो रही है माशाल्लाह यहाँ पर। ये देखें आप किस तरीके से लाइनें जा रही हैं। ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है। इसका कोई नेमो बदल कराची का कोई बिल्डर नहीं दे सकता जो GFS ने इस वक्त कैप्चर किया है माशाल्लाह। ये सारी चीज़ें GFS की जो है ना, बिल्डर की, मेरे को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इसने मिट्टी को सोना बनाया है, इस बिल्डर ने बहुत मेहनत करी है आवाम के लिए। इसने लोगों को सीधी ज़मीन मिलती है, उसके अंदर डेवलपमेंट करते हैं, नाले बनाकर और पानी की लाइनें डालकर इस तरीके से ये लोग डेवलपमेंट करते हैं। सीधी सीधी ज़मीन के ऊपर रोड डाल देते हैं, पैच डाल देते हैं, लेकिन इस बिल्डर ने वाकई में आवाम को डिलीवर किया है, बहुत डिलीवर कर रहा है ये। उनके हिसाब से ये जगह बना रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ माशाल्लाह। एक आवाम को रहने के लिए इसने पूरे पहाड़ को ऐसे ज़बरदस्त वैली का की शक्ल दे दी है। नहीं है सर कराची में, मैं पूरा कराची घूम चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा तो नहीं कहूँगा, 70-80% मैंने कराची को कवर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, देखा हुआ है सारा, लेकिन ऐसी वैली मैंने नहीं देखी सर माशाल्लाह से। अब चलते हैं ज़रा बेंगलोर के अंदर, इसकी फिनिशिंग देखते हैं माशाल्लाह। ये देखें आप, ये देखें आप, कार पॉच में आते हैं, और ये देखें आप माशाल्लाह क्या 120 गज़ के अंदर इन्होंने कैरी का पोर्शन दिया है। ड्राइंग रूम देखें आप, आते अंदर एंटर होते के साथ ही आप लेफ्ट पे ये ड्राइंग रूम का पोर्शन है, बहुत स्टैंडर्ड ड्राइंग रूम है। ये यहाँ से बाहर का, ये देखें आप कार पॉच से आप बैंगलो को कवर करें, देखें ये देखें आप फ्लोर टाइल लगाएं, और यहाँ से आप डिस्टेंस देखें किचन का, कितना लंबा डिस्टेंस है माशाल्लाह। और एंटर होती ही राइट पे आपको अटैच कॉमन बाथरूम मिलेगा, साइज देखें आप बाथरूम का माशाल्लाह। ये देखें आप, ये देखें क्या बैंगलो है माशाल्लाह। ये फिर सीधे आपको एक बेडरूम आ जाता है जो मास्टर बेड है, और फिर इसके अंदर एक अटैच बाथ है। ये देखिए व्यूअर्स, ये बिल्डर बना के दे रहा है। ये कंस्ट्रक्शन आपको बनवानी हो तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, GFS से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको सेम ऐसी चीज़ बना के देंगे माशाल्लाह। ये देखें, ये देखिए आप किचन का साइज़ देखें आप, एल में किचन है, वैसे तो यू में किचन है, लेकिन ये एल कटिंग करी हुई है इन्होंने। और ये डक देखें आप, यहाँ से दिखाता हूँ आपको डक का साइज़ देखें, ये देखिए डायरेक्ट ऊपर खुला आसमान माशाल्लाह। फिटिंग्स देखें आप, फुल PPRO फिटिंग हुई हुई है, ठंडे गर्म पानी की लाइनों की, बहुत ज़बरदस्त व्यूअर्स। और यहाँ से आप लिविंग रूम का साइज़ देखें, ऊपर चलते हैं देखते हैं ऊपर कैसा बनाया है। स्टेप देखें आप, 7-7 इंची का स्टेप आया है, ये देखें कोई हर्डल नहीं है चढ़ने में, 50
70 साल। बेहतरीन माशाल्लाह, ये डक आ रही है, क्या खुली डक है। यहाँ से देखें आप एलिवेशन, बाहर का व्यू देखें, यहाँ से फ्लोर पे खड़ो, जब यहाँ पे खिड़की लग जाएगी ऐसी 25 बीमारियाँ तो ऐसी ख़त्म हो जाएंगी जब बंदा यहाँ के खड़ा हो जाएगा। ये देखें आप टेरिस देखें, कुर्सियाँ डालें, यहाँ बैठे सुकून से। ओहो हो, क्या नज़ारा है सर, क्या नज़ारा है माशाल्लाह, क्या बिल्डर ने माशाल्लाह कवर करके दिया इनको, ये ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें पीछे पार्क चल रहा है, वैली पार्क। बोर हो रहे हैं, पार्क में बैठ जाएं, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, एंजॉय करें, ट्रैक बना हुआ है वो देखें। ये देखें व्यूअर्स, ये सिर्फ विस्टा माशाल्लाह। तो ये जो मॉडल बंगला बनाया इन्होंने, बहुत आइडियल माशाल्लाह, दिल खुश हो गया इसको देखकर मेरे को। ये कमरा अटैच बाथ देखें इसका, ये देखें माशाल्लाह क्या बाथरूम का साइज निकला है। ये देखें सफाई देखें आप काम की, यहाँ पे भी ये डक की वेंटिलेशन खोली हुई है इन्होंने, मास्टर बेड है। ऊपर चलते हैं देखते हैं छत पे से कैसा व्यू नज़र आता है इसका। यहाँ पे भी इन्होंने ये गीज़र वगैरह के लिए और दूसरे गमले वमले रखने के लिए भी जगह बनाई हुई है। ये देखें छत का साइज़ देखें आप व्यूअर्स, क्या टैंकी बनाई है ऊपर, फुल साइज़ टैंकी, 1.5 सिंगल टैंकर आ जाएगा इसके अंदर माशाल्लाह। व्यूअर ये देखिए कैसी डेवलपमेंट चल रही है ओल्ड ब्लॉक में, यहाँ से आपको सब नजर आएगी। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें सामने फ्लैट्स बन रहे हैं जो इनकी मल्टी है। इसके साथ ही JDC का शेल्टर है, इसी के साथ ही चेस की जगह भी बन रही है, इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे, लेकिन अभी वो बेसमेंट बन रही है, नीचे से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। ये देखिए क्या आइडियल जगह बनाई है माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया यार, बिल्डर ने ऐसा ज़मीन दिया आवाम को, ऐसी ज़मीन दी है जो ख्वाब थी एक, जो बहुत मुश्किल से शायद ये कोई कराची के बीचों बीच 10 मिनट की ड्राइव सरजानी टाउन में, 10 मिनट की ड्राइव हैदरी सुपरमार्केट गुलशन, मतलब नियर अबाउट सब है व्यूअर्स, ज़बरदस्त मज़ा आ गया माशाल्लाह। बोर्ड ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन देखिए आप कैसी ज़बरदस्त फास्ट चल रही है, डेवलपमेंट देखिए ज़बरदस्त। तो व्यूवर्स जिस सब जिनको भी ये इस तरह का मॉडल बनाना है तो वो GFS के ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं, जो भी इनको हैंडल कर रहा है वो इंशाल्लाह ताला असिस्ट करेंगे इनके साथ। और बस मैं और आप लोगों को क्या बताऊं कि बहुत ज़बरदस्त है, जिन साहब को इस तरह का बंगला बनाना है अपना वो रब्ता कर सकते हैं ऑफिस से। और आप लोग आएँ जल्दी जल्दी यहाँ पर आएँ, देखें हर चीज़ की कॉस्टिंग बढ़ रही है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी आज बुनियाद बना दें, फाउंडेशन बना दें, स्ट्रक्चर बना दें, छोड़ दें, कल को यही पैसे लगे हुए आपके काम आएंगे, सोना बन जाएगा। मैं तो अपने व्यूअर से यही बोलता हूँ, मैं यहाँ पर 1 साल से रह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हर किस्म की यूटिलिटीज़ मुझे यहाँ पर अवेलेबल है, दूध वाला घर पर आता है, गैस वाला घर पर आता है, ठीक है व्यूअर्स, हर चीज़ ये नियर ही हमारे सायमा, ये सायमा आप देख रहे हैं सारा पूरा सायमा आबाद है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सायमा चले जाते हैं, नॉर्थ चले जाते हैं, बाबा मोड़ चले जाते हैं, सुरजानी चले जाते हैं, किसी चीज़ की कोई हर्डल नहीं है। और लिविंग स्टाइल यहाँ पर ऐसा है कि बस जैसा आप अपनाएं, जो आप पसंद करें, कोई टेंशन नहीं, कोई टीटा पूपू नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई खल्ली बल्ली नहीं है, बहुत सुकून है। ये देखिए आपको ओल्ड एक्सटेंशन का भी व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से व्यूअर्स, ओल्ड एक्सटेंशन में भी देखें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, ये दो घर
तीन घर बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऊपर वाली साइड है, नीचे वाली साइड में भी अंडर डेवलपमेंट है। ये देखें आप, ये बेंगलोर ऊपर की तरफ तैयार हो रहे हैं। तो ये पहाड़ी का व्यू है इस वक्त, जहाँ पहाड़ी के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही थी। जिन लोगों ने कहा था कि अफान भाई ऊपर का व्यू दिखाएं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी इस वक्त व्यूइंग है। वो देखें इसको और फौरन अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करें, इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। और रिहाइश अख्तियार करें, यहाँ पर आएँ, बनाएँ, हमें सबको खुशी होगी कि हमारी सोसाइटी जल्द से जल्द आबाद हो जाए और यहाँ पर आप लोग रहें। मेरा तो ख्वाब था अपना घर हो, किराए पे रहता था मैं, आज अल्लाह पाक के फजल करम से अपने घर पर हूँ मैं। ये देखिए आप। तो व्यूवर्स, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।